नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर, रिया सिन्हा आपके साथ है। 1 जून से 5 सेक्टर्स में बदलाव होने वाले हैं। इनमें एलपीजी सिलेंडर रेट से लेकर के बैंकिंग की सभी चीजें शामिल हैं। बारी बारी से हम आपको सभी सेक्टर्स में जो बदलाव हो रहे हैं उसके बारे में बताएंगे, दिल्ली के बारे में, यूपी के बारे में और तमाम जो भी सेक्टर है उसके डिटेल के बारे में। सबसे पहले हम उन लोगों से कहेंगे जो लोग बैंक ऑफ बड़ौदा और सिंडिकेट बैंक कैनरा बैंक के ग्राहक हैं, उनके लिए 1 जून से उनके बैंक में काफी बदलाव होने वाले हैं। यहां तक कि आईएफएससी कोड भी बदला जा सकता है, यानी कि उनमें भी बदलाव होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा की। तो जितने भी बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर्स हैं वो कृपया ध्यान देंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक हैं तो 1 जून से बैंक चेक पेमेंट के नियमों में बदलाव होने जा रहा है। पॉजिटिव कन्फर्मेशन यानी कि पॉजिटिव पे चेक सर्विस को शुरू किया जा रहा है। इससे आपको ही फायदा होगा, इससे चेक को लेकर जितने भी फ्रॉड होते हैं वो कम हो सकेगा। दरअसल अगर आप 2 लाख से ज्यादा पेमेंट करते हैं, यानी कि दो लाख से ज्यादा रुपए का चेक जमा होता है, तो उसके लेकर आपको बैंक को सारे डिटेल्स जो है वो बताने होंगे। बैंक इसको रीचेक करेगा यानी कि क्रॉस चेक कर उसके बाद ही इसे आगे फर्दर पास करेगा, और अगर यह फ्रॉड में पकड़ा जाता है तो बैंक तुरंत ही पेमेंट होल्ड कर देगा। और ऐसे कई बार मामले सामने आए हैं जिसको देखते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा ने यह फैसला लिया है। अगला है एलपीजी सिलेंडर रेट्स। 1 जून से एलपीजी सिलेंडर के दाम बदल सकते हैं। तेल कंपनी 1 तारीख और 15 तारीख को एलपीजी रेट की समीक्षा करती है। दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में 14.2 किलोग्राम एलपीजी गैस सिलेंडर का रेट है 809 रुपए। 14.2 किलोग्राम वाले सिलेंडर के साथ साथ 19 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर के दाम में बदलाव किए जा सकते हैं। तीसरा है यूपी में बनेंगे डीएल यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस। कोरोना महामारी की वजह से उत्तर प्रदेश में आरटीओ के ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी सेवाएं पूरी तरीके से बंद कर दी गई थी। अब कई जिलों में डीएल बनने का प्रोसेस 31 मई से शुरू होगा। हालांकि लाइसेंस लर्निंग लाइसेंस जो है वो 30 जून तक फिलहाल नहीं बनेगा। 30 जून तक आप अपॉइंटमेंट स्लॉट बुक जो है वो सभी कैंसिल कर दिए गए हैं। चौथा जो हम बता रहे हैं आपको सेक्टर वो है आईटीआर की, यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स विभाग 7 जून से आईटीआर की नई वेबसाइट लॉन्च करेगा। 1 से 6 जून तक मौजूदा वेबसाइट का आईटीआर संबंधी काम नहीं होगा। पुराना वेबसाइट जो कि है www.incometaxindiafilling.gov.in, इसको नए पोर्टल जो कि है www.incometax.gov.in पर जाना है। डिपार्टमेंट के मुताबिक 1 से 6 जून तक ई फाइलिंग सर्विस काम नहीं करेगी। पांचवा जो है वो है गोल्ड ज्वेलरी हॉलमार्क। तो गोल्ड ज्वेलरी हॉलमार्किंग अब 1 जून से लागू नहीं होगी। ज्वेलर्स की मांग पर इसे 15 जून तक टाल दिया गया है। सरकार ने एक कमेटी का भी गठन किया है जिसकी अध्यक्षता ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी कि बीआईएस के डायरेक्टर जनरल प्रमोद तिवारी करेंगे। ये कमेटी गोल्ड ज्वेलरी हॉलमार्किंग नियमों को लागू करने में दिक्कतों का हल निकालेगी। इसके बाद इसे 15 जून से देश भर में लागू किया जाएगा। तो ये कुल 5 सेक्टर्स, 5 अलग अलग जगहों में जो चेंजेस आए हैं, खासतौर से एलपीजी सिलेंडर्स, गोल्ड ज्वेलरी हॉलमार्क और हमने आपको बैंक्स के भी डिटेल बताए। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे और भी इन्फॉर्मेटिव खबरें हम पूरे देश के लोगों के लिए लगातार पहुंचाते हैं, तो तब तक के लिए आप न्यूज़ पीआर के साथ बने रहें, पल पल के अपडेट सबसे पहले यहाँ। धन्यवाद।